नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट डॉक्टर अक्षय मोरे। आज हम डायबिटीज कीटोसिस इस व्याधि के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे डायबिटीज कीटोसिस क्या है, उसके लक्षण कौन से हैं, उसका निदान कैसे करना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, यह सब इस वीडियो में हम देखेंगे। डायबिटीज कीटोसिस यह व्याधि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन में पैदा होने वाला व्याधि है। डायबिटीज क्या है, उसके लक्षण कौन से हैं, उसका निदान कैसे करना चाहिए और डायबिटीज की ट्रीटमेंट क्या है, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप वह ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज की टॉसोडोसिस, डायबिटीज यानी मधुमेह, कीटोज यानी कीटोन बॉडीज, एसिडोसिस यानी शरीर में एसिड यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। डायबिटीज कीटोसिडोसिस यह व्याधि में शरीर के रक्त में एसिड यानी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज कीटोसिडोसिस में शरीर के रक्त में अम्ल यानी एसिड की मात्रा कैसे बढ़ जाती है, चलो देखते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसका रूपांतर ग्लूकोज फैट ये दोनों में होता है। यह ग्लूकोज रक्त में पहुंच जाता है। हम जो क्रिया करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है और यह एनर्जी से ग्लूकोज के माध्यम से लेते हैं, परंतु यह ग्लूकोज शरीर के रक्त में होता है और उसे लेने के लिए हमें हमारे शरीर को दो हार्मोन की जरूरत होती है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन यह हार्मोन हमारे शरीर के पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के बीटा सेल सीक्रेट करते हैं और ग्लूकागॉन यह हार्मोन हमारे शरीर के पैनक्रियास के अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं। डायबिटीज टाइप 1 यानी मधुमेह इस व्याधि में हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है अथवा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर को एनर्जी मिल नहीं पाती, जिसके कारण हमारा शरीर अल्टरनेटिव एनर्जी को बनाना शुरू कर देता है। ग्लूकागॉन या हार्मोन हमारे शरीर के फ्लैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, जिसे आधुनिक भाषा में लाइपोलिसिस कहते हैं। फ्लैट का कन्वर्जन फ्री फैटी एसिड में होता है। यह फ्री फैटी एसिड लीवर में जाके उसका कन्वर्जन कीटोन बॉडीज में करता है। यह कीटोन बॉडी शरीर में एनर्जी उत्पन्न करती है और हमारे शरीर के ब्लड की अम्ल यानी एसिड की मात्रा बढ़ा देती है। इस डायबिटिक कीटोसिस के लक्षण कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा 5 I। सबसे पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है इंक्रीज स्ट्रेस, तीसरा है इनअप्रोप्रिएट विड्रॉल ऑफ इंसुलिन, चौथा है इंटॉक्सिफिकेशन और पांचवा है इन्फेक्शन। स्ट्रेस और इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर में इफिनिप्रिन यह हार्मोन सेक्रेट होता है। यह इफिनिप्रिन हमारे पैनक्रियास के अल्फा सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है। यह ग्लूकागॉन हमारे शरीर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। यह ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर की किडनी यूरिन के माध्यम से बाहर शरीर के बाहर फेंक देती है, जिसके कारण इसे पॉलीयूरिया भी कहा जाता है। यह शुगर शरीर से बाहर जाने के कारण और शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण हमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के कारण शरीर में एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है। यह एनर्जी पाने के लिए हमारा शरीर और फैट को डिस्ट्रॉय यानी डीजनरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। यह कीटोन बॉडीज एनर्जी उत्पन्न करती है, परंतु यह कीटोन बॉडीज हमारे शरीर की ब्लड यानी आम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं। शरीर की आम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए हमारा शरीर ज़्यादा ब्रीदिंग यानी सांस लेना शुरू कर देता है, जिसे डीप ब्रीदिंग अथवा कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन ऐसे भी कहा जाता है।
इस व्याधि के लक्षण कौन से हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहला है डीप ब्रीदिंग, दूसरा है नौसिया, तीसरा है ओमिटिंग, चौथा है सेरेब्रल इडिमा, पांचवा है मेंटल रेस। इस व्याधि का निदान कैसे करना चाहिए? इस व्याधि का निदान हमारे शरीर में जो कीटोन बॉडीज बढ़ती है उसको ब्लड में डिटेक्ट करके किया जाता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस व्याधि में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमतरता हो जाती है, जिसके लिए हमें उसे फ्लूड्स यानी फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी देना होगा, जिसके लिए हमें आईवी फ्लूड्स यानी सलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें 3 आईवी फ्लूड्स या उससे ज़्यादा आईवी फ्लूड्स विद इन 6 आवर्स में देना चाहिए। जब तक ब्लड टेस्ट में कीटोन बॉडीज निगेटिव नहीं आते तब तक हमें देना चाहिए। दूसरा है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया यानी शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है इस व्याधि में, उसे रिप्लेसमेंट करने के लिए बाहर से पोटेशियम इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इस व्याधि में देते हैं। तीसरा जो है, मैंने पहले इस वीडियो में बताया हुआ है कि इनप्रॉपर विड्रॉल ऑफ इंसुलिन यानी शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है अथवा खत्म हो जाता है, तो उसे इंजेक्शन थेरेपी देते हैं, उसे इंसुलिन इंजेक्शन थेरेपी बोलते हैं। यह डायबिटिक किटोसिस की ट्रीटमेंट है। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट करें, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।